अब हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, तशरीफ़ लाते हैं हमारे हर दिल अज़ीज़ ख़तीब, हमारी जमात के उभरते हुए नौजवान ख़तीब, ख़तीब पुरतासीर हज़रत मौलाना मोहम्मद हनीफ़ आजिज़ साहिब हफ़िज़हुल्लाह ताला, वो अपने ख़यालात का इजहार फरमाते हैं। हज़रत मौलाना मोहम्मद हनीफ़ आजिज़ साहिब हफ़िज़हुल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه वो मुअज्जज़ थे ज़माना में मुसलमान होकर हम ख़ार हुए हैं तार के कुरान होकर अल्लाहुम्मा रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु कौली रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। सामईन मुख्तरम, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन दी हमदो सना,
बेशुमार ला तादाद अनगिन दरूद व सलाम इमामुल हरमैन सैयदुस सकलैन इमामुल अंबिया महबूब किबरिया आमिना तिलाल पैकर हुस्न व जमाल साहिब शर्फ व कमाल पैगंबर बेमिसाल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते गिरामी अज़ीम शान और फ़कीद अल मिसाल प्रोग्राम इख्तिताम तकमील सही बुखारी शरीफ इस मरकज जामिया हदीकतुल इस्लाम लिल बनात महमूदाबाद के अंदर मेरे उस्ताद मोहतरम फजीलतु शेख हज़रत मौलाना हाफिज अब्दुल अलीम साहिब और शेख मोहतरम फजीलतु शेख डॉक्टर अतीकुर रहमान साहिब फाजल भाई हाफिज मोहम्मद बिलाल साहिब मुख्तरमुल मुकाम भाई मोहम्मद सुफियान साहिब मैं मुबारकबाद पेश करांगा इस इदारा दी इंतजामिया मेरी और तुहाड़ी रूहानी माँ हाफिज मोहम्मद सुफियान साहब दी वालिदा मुख्तरमा और इस इदारा दी इंतजामिया और असातजा और तालिबात के रब्बुल आलमीन दे हुजूर दुआ है अल्लाह इस गुलशन नो रहिंदी दुनिया तक आबाद फरमाए साडियां बहना बेटियां बच्चियां और उन्हां दी तालीम और तरबियत दे हवाले दे नाल अल्हम्दुलिल्लाह ए इदारा अपनी मिसाल आप हज़रत डॉक्टर साहब तशरीफ़ फरमान है मैं अल अमरु फौकल आदब दे तहत फजीलतु शेख हज़रत मौलाना कारी मुहम्मद यकूब रबानी साहब जितना उन्होंने वक्त दिता है नहाई थी मुख्तसर इंशाअल्लाह ज़रूर हिस्सा पावांगे कुरान पाक मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह किताब कुरान पाक दी फजीलत व अहमियत कुरान पाक दे मसाइल व अहकाम कुरान पाक दी तिलावत व किरात कुरान पाक दी तासीर और कुरान पाक दी तिलावत ये बहुत अहम और बहुत लंबा चौड़ा मज़मून है। मैं इंशाअल्लाहुर रहमान कुरान पाक दा मुख्तसर जिहा तआरुफ और कुरान पाक दी तिलावत दा तज़किरा खैर करना चाहना
इतनी मुनस्सल मिन अल्लाह किताब रब्बुल आलमीन ने अंबिया अलैहिस्सलात वस्सलाम नु मौजज़ात अता फरमाए। ओ नबी भी शान वाले मिन वाले मौजज़ात भी अजमत वाले और मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलात वस्सलाम नु भी मौजज़ात अता फरमाए। मेरा मुस्तफ़ा भी पूरी कायनात विचो आला और नबी मुस्तफ़ा नु मिन वाले मौजज़ात भी सब तो आला। इन सारे मौजज़ात दे विचो बड़ा ही प्यारा और अहम मौजज़ा अल्लाह पाक दा पाक कलाम है और मेरे आका अलैहि सलातो वस्सलाम कुरान पाक दी बकसरत तिलावत करया कर दे। अहदीस के अंदर मौजूद है कि अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातो वस्सलाम रमजान के अंदर जनाब जिबरील अमीन दे नाल कुरान पाक दा दौर करया कर दे। हजरत जिबरील मुस्तफा नु कुरान सुनान दे और मेरे पाक पैगंबर जिबरील नु कुरान सुनान दे। कुरान पढ़ना कुरान पढ़ाना कुरान दे नाल मोहब्बत ते प्यार करना बहुत बड़ी सआदत है। उतारने वाली जात सारिया जातों चो आला जिस मुस्तफा ते अल्लाह ने चिट्ठी नु नादल फरमाया ओ मुस्तफा सारे नबियों चो आला जिन्हां शहरां दे अंदर जिबरील कुरान लैके आउंदे गए कुरान दी बरकत दे नाल ओ शहर सारे शहरां चो आला जिस उम्मत ते अल्लाह ने एहसान फरमाया ओ उम्मत सारिया उम्मतां चो आला जिस महीने के अंदर कुरान अल्लाह ने नादल फरमाया ओ महीना सारे महीनों चो आला जिस रात अंदर अल्लाह ने इस चिट्ठी नु नादल फरमाया ओ रात सारिया रातां चो आला जेड़ा फरिश्ता इस कुरान नु मुस्तफा ते लेके आउंदा गया ओ फरिश्ता सारे फरिश्तियां चो आला ते जेड़ा कुरान नु पढ़दा कुरान नु पढ़ांदा ओ इंसान भी सारे इंसाना चो आला। दलील की है कुरान सुनो उतारने वाली सात केड़ी है रब्बुल आलमीन दा कुरान ऐलान कर दे। अल्लाह फरमांदे ने ऐ मेरे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जी सुनिया महबूबा तुसी भी करी कायनात विचो अफजल ते आला हो ते जेड़ी चिट्ठी जेड़ा मोजज़ा जेड़ी बुरहान मैं तुहाडे ते नादल फरमाई है ए सारिया किताबां दे विचों अफजल ते आला। आओ कुरान दा तारीफ सुनिए अल्लाह दी किताब ए उतारने वाली जात दा तज़किरा की है फरमाया तंज़ील मिन रब्बिल आलमीन उतारने वाली जात अल्लाह दी है ते जेड़ा फरिश्ता जिबरील मेरे मुस्तफा ते कुरान लेके आउंदा गया फरमाया नज़ाला बिहिर रूहुल अमीन जिना शहरां दे अंदर अल्लाह जुल जलाल दा कुरान नादल होया अल्लाह फरमांदे ने वत्ती ने वज़ैतू
وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ. और जिस नबी ते अल्लाह ने चिट्ठी नादल फरमाई है नूह भी ते अल्लाह दे नबी ने, है इब्राहिम भी ते रब दे पैगंबर ने, है जनाबे मूसा कलीम रहमान भी ने, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह भी ने, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह भी ने, पर कुरान जिस नबी ते अल्लाह ने नादल फरमाया ओ नबी सारे नबिया चो अफजल ते आला. अल्लाह फरमांदे ने वमा अरसलना का इल्ला रहमत लिल आलमीन. और जिस महीने च कुरान आया फरमाया शहर रमजान लजी उन सिला फी हेल कुरान हो दल नाजिबनालोदा वाल फुरकान. और जेड़ी रात अंदर आया फरमाया इन्ना अन सलना हो फी लैला तिल कादरी वमा अदरा कमा लैला तुल कादरी लैलतुल कदर खैरुम मिन अल्फ शहर. जिस उम्मत अल्लाह ने अजीम एहसान फरमाया है सारे नबी ने उन्होंने अल्लाह ने उम्मत अता फरमाया फरमाया कुम तुम खैरा उम्मतिन उखरे जात लिन्नास तामरून बिल मारूफ कुरान पढ़दा है कुरान पढ़ांदा है कुरान सिखदा है ते कुरान सिखांदा है ओ भी सब तो अफजल ते आला. आका फरमांदे ने खैरुकुम मंता अल्लामल कुरान व अल्लामहु. अल्लाह दे नबी फरमांदे ने जेड़ा कुरान पढ़दा ओ भी बेहतर है ते जेड़ा पहाड़ पढ़ांदा ओ भी सब तो बेहतर है. कायनात दीयां नेमतां एक पासे लेकिन ए रब दे दीन दी नेम. और मौलाना बड़ी प्यारी गल करते ने फरमांदे ने जीते हाथ कुरान हदीस होवे ओदी किस्मत दी कीरीस होवे. आज 4% दा मालक बन गया है, आज प्रॉपर्टी डीलर बन चुका है, आज मालो दौलत फैक्ट्रिया दा मालक बन गया. ये कामयाबी है और कामयाबी सब तो अच्छी रावे. इस वास्ते मेरी ये बहन है अपनी बेटी नो आलम फादला दा कोर्स करा, अपनी बहन नो कुरान सुन्नती इस रोशनी नाल अरास्ता परास्ता कर ले, अपनी बेटी ते अपने अजीजो कारब ते नजरा पा ले. अल्लाह जुल जलाल दी कसम ऐ जेड़ी बेटी जद रहमत बन के आउंदी है जवान हुंदी है वीरां दी खैरत बन जांदी है निकाह हो जांदा ए खाम दी तबेदारी करदी है. अल्लाह जन्नत दे अठां बूहां दे विच जिदे तो चाहे रब दे जन्नत दे अंदर वार देंदे ने ते ए वही बीबी जदों मां
बनती है। अल्लाह पाक एदे कदमां दे नीचे अपनी जन्नत रख देंदे ने। आ चांदी है मेरी बेटी दी तालीम अच्छी होए, मेरी धी दा मामला बेहतर होए, मेरी बेटी दा अल्लाह पाक दी रहमत दे नाल बेहतरीन मुस्तकबिल होए। ऐ जीते हद कुरान हदीस होवे ओदी किस्मत दी की रीस होवे, जिदे हाथ विच मुसलम बुखारी ओदे कोल ते दौलत सारी है। किस्मत वाला इदारा है, इस इदारे विच किते बुलूगन मराम पढ़ी जाती है, किते जनाब जामे तिरमजी पढ़ी जाती है, किते इब्ने माजा पढ़ी जाती है, किते अबू दाऊद शरीफ पढ़ी जाती है, किते जनाब मुस्लिम ते बुखारी पढ़ी जाती है, किते अल्लाह पाक दा कुरान पढ़िया जाता है। और गल इख्तिताम दी तरफ लैके आवे, ये कुरान रहमत भी है ते कुरान शिफा भी है। फरमाया वनो नज़लो मिनल कुरान मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। शफा केंदे और कुरान सारे दा सारा शिफा है। एवी दर दर मेरी बहने तके ना खाया कर, एवी जगह जगह ते अपनी इज्जत खराब ना करया कर, एवी जगह जगह ते अपने माल नू वीरान ना करया कर। कुरान रहमत भी है। मैं एक एक दलील मुख्तसर वक्त दे अंदर दे के बात मुकावा। ए कुरान शिफा केंदे, अगर तेनों कोई बीमारी लाहेगे, अगर परेशानी दा सामना है, जादू दी शिकायत है, टूने दी शिकायत है, घर दे अंदर बेबरकती दा आलम है, मुआशरे अंदर खराबी दा आलम है, खुदा दी कसम है मेरी ये भैने कुरान पढ़ के अपने घर नू बहार बनाया कर। अज मेरिया बीबिया भैन की जिंदगी है अल्लाह माफ करे अजीबो गरीब गुजरती है। माँ रोटी पकांदी है ते इंडिया दिया गाने ते फिल्मा ला के बह के सारा खानदान खाना खांदा है, ओना बगैरतां दिया फिल्मा सामने लै के फिर माँ रोंदी है, बाप कंधा च सिर दे दे के रोंदा है। हजरत जी मेरी बेटी की तरबीयत सही नहीं है, मेरी औलाद का मामला बेहतर नहीं है। ए मेरी ए माए ते बहने तेरा पीछे अपने अपने घर विच नजरा मार के वेखो। आप गल कर दिया सा, मेरी अम्मी आटा गुनदी कुरान पढ़ती है, मेरी माँ दुध रिड़कदी कुरान पढ़ती है, मेरी माँ हर काम बर्तन धोती है कुरान पढ़ती है। और जदों घर दा मोहाल इंज दा बन जाए, अल्लाह पाक फिर करां दे अंदर इमाम बुखारी जैसे पुत्र पैदा फरमांदे ने, सैयदा मरियम दे किरदार जैसियां बेटियां अता करदे ने। कुरान शिफा केंदे, मेरे और तुहाडे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान पढ़िया करो। रात नूं सौण लगे सूरा बकरा एदी आखरी दो आयात, नबी अली सलाम ने फरमाया दुनिया व माफिया तो बेहतर है। मेरे आका फरमाते ने है कोई मेरा ऐसा उम्मती जरा रात को एक दस सिपारे पढ़ता जा कुरान की तिलावत करके सौंद है। हजूर दस सिपारे पूरा कुरान? आका फरमाते ने जेड़ा मेरा उम्मती सूरत अखलास कुल हुवल्ला बीबीओ वजीफे याद करके ले जाओ, इत्थे आउण दा मकसद हल होना चाहिए। फरमाया जेड़ी बीबी जेड़ा मेरा उम्मती सूरत इखलास नू कुल हुवल्ला नू एक मरतबा पढ़ दे, अल्लाह पाक दसां सिपारियां पढ़न दा अजर ते सवाब अता कर दे।
जेड़ा बंदा तीन दफा पढ़ता है अल्लाह पूरे कुरान पढ़न दा सब। कई बीबियां ने आ वजी मैं दे पढ़ी नहीं, मेरे माँ बाप ने पढ़ाया नहीं, मेरी ये बहने इन्हें बच्चियां को बह के कुरान सुने, अगर अपनी धी दे करीब बह के कुरान सुने, अगर अपनी नौ दे लागे बह के कुरान सुने, अगर रब्बे सुल जलाल दी कसमे जिन्ना कुरान पढ़न दा अजर मिलदा अल्लाह करीब बैठ सुन वाले भी उन्हें अजरे अजीम अता कर दे। घरां दा माहौल बनाओ, उस्ताद बैठे ने जनाबे अबू हुरैरा दे घर अंदर तीन अफराद ने, तीनों अफराद ऐसे ने कि जेड़े अपनी अपनी वारी रब दा कुरान पढ़ते ने, एक पढ़ता है दूजा सौ जाता है, दूजा पढ़ता तीजा सौ जाता है, जनाब पहला सौ तीजे पढ़ते नाले रब दा रात कुरान मुक जाता, नाले उहदी रहमत ना रात मुक जाती। इतने रात के दिन फेसबुक दे और कौन अबू हुरैरा ने मेरे आका को लाए, हुजूर कोई नसीहत फरमा दियो। आका फरमा ने अबू हुरैरा कुरान पढ़िया कर, कुरान पढ़ाया कर। हुजूर दा फायदा की है? फरमाया तेरी कबर ते 70,000 फरिश्ते रो तेरी ते तेरे बाद ते बख्श ते रहमत दी दुआ करिया कर। कुरान ना मुहब्बत गल मुकदी मुकावा मेरे आका दे सहाबा इंज एक सफर ते निकलते ने, रस्ते अंदर पहुंचे रात पै गई, पड़ाव पाया साथियों को खाने का सवाल किया, आंदे असी नबी दे सिपाही आ मुसाफर आ मौलवी आ, सानू खाने पीने वास्ते चीज मुयसर की जाए। आंदे ने असी कोई थोड़ा ठेका चुके है, इन्ने मौलवियों रोटी कौन खुआएगा, ये तो रब की रहमत है। मेरिया भैन नाले कुरान सुना दिया ने, नाले हदीस सुन दिया ने, नाले अपने अजीदो अकार की खिदमत भी कर दिया ने, फिर रब की रहमत नादल होंदी है। मेरे पाक पैगंबर अली सलाम दे सहाबा निकले, थोड़ी देर गुजरी एक पिंडो चंद साथी आ गए, कहन लगे हजरत जी साढ़े चौधरी ने बिछू नो डंग दिता, मूजी चीज ने तकलीफ दे दी है, जरा ओदा कोई झाड़ा करने वाला है वे। ते मेरे आका अली सलाम दे परवाने खामोश ने, नबी दे सहाबा च एक सहाबी आंदा, रोटी तुसी दीती नहीं ते दम कराने वास्ते आ गए हो, ए मसला लैके हाँ ठीक है दम करांगे, लेकिन ये इवज अंदर मुआवजा वस व्या सब गौर करिया जे, ये इवज के अंदर मुआवजा ले आंगे। ते मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलातो व सलाम दे सहाबी ने दम किया, अल्लाह ने उस बंदे नू शफा दे दी है। ते पाक पैगंबर अली सलाम दे सहाबा ने 30 बकरियां लाके ते अपने अपने मुकाम ते पहुंचे, नबी अली सलाम दे सहाबा दे विच आप दे जान सारां दे विच कुछ साथी कहन लगे ए बकरियां ते ली लईआं, ए मसला नबी अली सलाम को भी पूछना चाहिए, साढ़े वास्ते जायज के न जायज। मेरी ये माए बहन तर अपनी औलाद की सही तरबियत करना चाहनी है, फिर इसके हलाल खाया कर, सिदके मकाल ते अमल करया कर। मेरे आका कोल पहुंचे, हुजूर अली सलातो व सलाम ने मसला पूछया, आप फरमान ने सहाबियो की पढ़िया सी है, हुजूर तुसा आप ही दे दसिया कुरान शिफाए, बोलो कुरान कुरान शिफाए। ते मेरे आका फरमांदे ने मेरे सहाबी पढ़िया की सी, सुनिया 7 वारी ए आयता पढ़िया ने, अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम मालिकी उम्मीदीन इयाका नअबुदु व इयाका नस्ताईन इहदिनस्सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन।
और किन्नी प्यारी सूरत है जी, तो बगैर मुस्तफा फरमा दे बंदे की नमाज नहीं होंगी। फर्जी है, नफली है, सुन्नत ने, फर्द ने, कारे मसीद है। ला सलात अल मल्लम यकरा इल्ला बिफातिहा दिल किताब। और एक दो मिनट बाद मुकामा कुरान शिफा है, जिथा भी पढ़े, जिमें भी पढ़े, जिस नीयत ना पढ़े, अल्लाह कुरान की बरकत ना मेरी ओ बहनो रब अपनी रहमत नादल कर देने, शफा देंदे ने। रहमत की है, एक बीबी घर में दुआ कर दी है अल्लाह मुनु औलाद दे दे, एक बीबी घर बह के दुआ कर दी है अल्लाह मुनु सेहत दे दे, एक भैन रब का कुरान पढ़न तो बगैर यानी दुआ कर दी है अल्लाह मैनू रिस्क दे दे, अल्लाह मुनु अपना मकान दे दे। अल्लाह को दुआ करिए जीना भैनों को वीर नहीं नेक वीर अता फरमा दे, जीना बहना मामा को औलादा नहीं रब नेक औलादा अता फरमा दे, जीना दे किराए दे मकान ने अल्लाह अपने मकान अता फरमाए। अल्लाह किसे मुसलमान मर्द औरत नूं किसे दा मुहताज ना बनाए, अल्लाह दे दर दा मंगता फकीर बना के रखे। और गल मुकदी मकावा, हर बीबी अपने अपने घर इक्को ही है, कोई कुछ दुआ करदा, कोई कुछ करदा, कोई कुछ करदा, ते एक बीबी की कर दी है और रात दिन रब दा कुरान ही पढ़ी जांदी है। पढ़दी की है, कदी पढ़दी है यासीन वल कुरान अल हकीम, कदी पढ़दी है अर रहमान अल्लामल कुरान, कदी पहला कदी दूजा कदी तीजा पारा। ते मेरे आका फरमांदे ने ए घर विच या ए मर्द औरत ने जो जो मंगिया रब ने अता करना। ते जेड़ा बंदा बीबी कुरान ही पढ़ी जांदा कुरान दी बरकत ना अल्लाह बिन मंगिया सारिया नेमतां अता कर देंदे ने। अपने घरां नूं कुरान दी बहार बनाओ। ते मैसेज ते पैगाम सुन लो, मुसलमानों कुरान नेड़े आओ, कुरान दे नाल लगियां बहारां, मुसलमानों कुरान दे नेड़े आओ, कुरान दे नाल लगियां बहारां, कलामे खुदा नू जिन्ना सीने लाया, कलामे खुदा नू जिन्ना सीने लाया, उना रात दिन विच ने लुटिया बहारा। मैं कुरान दे हर सिपारे तू सदके, मैं कुरान दे हर सिपारे तू सदके, होया नादल जिस ते उस प्यारे तो सदके, कुरान देना दिलों प्यार पाइए। मेरी ये बहन, कुरान देना दिलों प्यार पाइए, कुरान दे वेची मुनाफे हजारा। अल्लाह कुरान और साहबे कुरान ना सच्ची मुहब्बत नसीब फरमाए। अल्लाह इस इदारे नू और इदारे दी तालिबात इंतजामिया और असातजा दीगर अहबाब अल्लाह पाक सब दियाँ मेहनत कबूल फरमाए। इस इदारे नू रहिंदी दुनिया तक अल्लाह पाक दीन दा मरकज और दीन दा इदारा बनाए, मरकज और छौनी बनाए साढ़े वास्ते और साढ़े खानदान वास्ते, साढ़े इलाका मुजाफात साढ़िया बहना बेटिया वास्ते अल्लाह पाक के मरकज दिलां दी बहार बनाए। आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।